नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। रांची, खूंटी और चायबासा में आतंक की गाथा लिखने वाला खूंखार उग्रवादी लाका पाहन और विकास को पुलिस ने मार गिराया। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के कोटा गांव के पास एक जंगल में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में वो मारा गया। एनकाउंटर में मारा गया लाका पाहन उग्रवादी संगठन PLFI के रीजनल कमेटी का सचिव था। जिदन गुड़िया के मारे जाने के बाद उसे यह औहदा सौंपा गया था। पहले वह सब जोनल कमांडर था। संगठन के सुप्रीमो दिनेश गोप का वह बेहद करीबी माना जाता था। मुठभेड़ में लाका पाहन के ढेर हो जाने के बाद संगठन को तगड़ा झटका लगा है। हत्या, बलात्कार और पुलिस पर हमला करने में माहिर लाका पाहन के नाम पुलिस फाइल में करीब 61 मामले दर्ज है। वह वर्ष 2008 में संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले लाका पाहन 9 जून 2012 को खूंटी में पकड़ा गया था। करीब 8 साल तक जेल में रहा। 22 फरवरी 2020 को वह जेल से बाहर आया। बाहर आते ही उसने खुराफात शुरू कर दी। बात बात पर किसी की हत्या और मजबूर, लाचार, बेबस किसी लड़की की आबरू लूट लेना उसकी फितरत बन गई थी। खूंटी में वह आतंक बन गया था। उसका नाम सुन लोग कांप उठते थे। मोस्ट वांटेड लाका पाहन पुलिस की रडार पर था। 5 लाख के इनामी लाका पाहन के इनाम की राशि बढ़ाने के लिए प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया था। खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मुरहू के कोटा गांव में मंगलवार को मंडा पूजा का आयोजन किया गया है। मेले में रात को लाका पाहन अपने कुछ साथियों के साथ छऊ नाच देखने पहुंचा। इस सूचना को SP ने काफी गंभीरता से लिया। आगे की कार्रवाई के लिए मुरहू के थानेदार विक्रांत कुमार, सब इंस्पेक्टर बलराम कुमार सिंह, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार सिंह और सेट के जवानों को लगाया गया। वही ASP रमेश कुमार और SDPO अमित कुमार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वही पल पल की जानकारी IG अभियान अमोल वेणुकांत होमकर और रांची प्रक्षेत्र के DIG अनीश गुप्ता को दी जा रही थी। पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में लाका पाहन का दस्ता फंस गया। बुधवार को तड़के हुए मुठभेड़ में लाका पाहन मारा गया। पुलिस ने मौकाए वारदात से एक पिस्टल, 6 जिंदा गोलियां, 13 खोखा, 3 मोबाइल फोन, 11 कीपैड मोबाइल, 66 सिम कार्ड, काला रंग का एक पर्स और एक बैग बरामद किया है। PLFI संगठन का चंदा रसीद भी मिला है। सुने क्या बोले खूंटी के SP अमन कुमार। 4/5/2022 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि PLFI का एक दस्ता जो है मुरहू थाना क्षेत्र के कोटा जो गांव है उसके जंगल के आसपास कोई घटना करने की फिराक में है। प्राप्त सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया था जिसका पर्यवेक्षण DSP अमित कुमार, SP अभियान रमेश कर रहे थे और थाना प्रभारी के नेतृत्व में विक्रांत कुमार के नेतृत्व में SAT की टीम जो है ग्राम कोटा के जंगल के आसपास सर्च के लिए गई। जब यह सर्च उग्रवादियों के लिए चल रहा था तो अचानक सुबह में उग्रवादियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद अपनी आत्मरक्षा में पुलिस बल ने वापस फायरिंग किया। आसपास में छऊ मेला चल रहा था, उससे ही थोड़ी दूर पर डिग्री पर यह घटना घटी। तत्पश्चात मुठभेड़ के बाद घटनास्थल का व्यापक सर्च किया गया जहां पर एक क्रियावादी का शव मिला जिसको लाका पाहन जो यहां का PLFI का पूर्व में सब जोनल कमांडर था, हालांकि वर्तमान में जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें उसको रीजनल कमेटी का सचिव बनाया गया, उसका शव मिला। हथियार, एक देसी पिस्टल मिला, मोबाइल फोन्स, गोलियाँ तथा अन्य यूज के सामान जो है वहाँ से बरामद किए गए। लाका पाहन पर लगभग 61 कांड जो खूंटी जिला में, चाईबासा जिला में, रांची जिला में दर्ज है। 2008 में ये PLFI संगठन में लाका पाहन जुड़ा था और कई तरह के हत्या, बलात्कार, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमले जैसे कई सारे जघन्य कांड इसने कर रखे थे। 9/6/12 को खूंटी थाना अंतर्गत इसको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और ये 22/1/20 पर जमानत पर रिहा हुआ था, जिसके बाद यह इसी तरह की घटनाओं को लगातार खूंटी में, चाईबासा में और रांची में कर रहा था। जहां तक अनुमान लगा रहे हैं, जहां तक जो फायरिंग हुई है, लगभग 4 से 5 अन्य लोग जो है वहां पे मौजूद थे जो कि लाका पाहन के साथ। जो मुख्य रूप से आप घटनाएं देख सकते हैं कि जो रिसेंट में हुई है, 12/4/22 को ये अड़की थाना में ग्राम चैपी में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गई थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 15/1/22 को हाल में तिरला पीड़ी टोली में एक वृद्ध दंपत्ति को डायन करके उसकी हत्या कर दी गई थी। 4/2/2022 को हाल में ही बनगांव थाना अंतर्गत सड़क निर्माण जो हो रहा था उसमें निर्माण कार्य में जाकर मुंशी और मजदूरों के साथ मारपीट की गई थी।
उसके अलावा पूर्व में कई सारे ऐसे कांड हैं जहां पर अपहरण करके हत्या की गई है इसके द्वारा, और पुलिस पार्टी पर भी हमला किया गया। कोहराम लाइव के लिए खूंटी से गौरव कश्यप की रिपोर्ट।